डियर स्टूडेंट्स आई वेलकम यू इन दर्स ऑफ लीडरशिप इमोशनल इंटेलिजेंस एंडीजन मेकिंग दिस इज मॉड्यूल नंबर वन थर्टी सेवन एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेक योर इमोशंस वर्क फॉर यू ऑलवेज रिमेंबर दैट नो one इज इंडिपेंडेंट ऑफ emotions. इंसान के साथ जज्बात और वह बसता हैं सिर्फ करना यह है कि हम उन जज्बा और साथ को अंडरस्टैंड करें और उसके मुताबिक अपना कोर्स ऑफ एक्शन वो डेवलप करें इस मकसद के लिए we have to be very much careful. in context of emotional intelligence, there are a few things that we need to understand. the first and very important thing is that emotions are not bad. control so emotions itself are not taken up as bad things. number two, we need to understand कि इमोशंस आर बेसिकली फॉर्म ऑफ हमारे पास एक सोर्स है जहां से हम डिफरेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हासिल कर रहे हैं वहां पर ही हम जज्बात से भी बहुत कुछ जान सक रहे हैं अबाउट अवर कंडक्ट अबाउट अवर एसोसिएशन विद अदर पीपल अब हमारा कंडक्ट एंड एसोसिएशन विद अदर पीपल ऑब्वियसली वो मरहून मिन्नत है कि हमारे एहसासा उनके बारे में वो कैसे हैं हम चीजों को कैसे परख रहे हैं उस जगह की इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या है ये सब चीजें आपस में इंटर रिलेटेड हैं अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब हम जज्बात की बात कर रहे हैं एहसास की बात कर रहे हैं तो इमोशंस आर बेसिकली हेल्पिंग अस टू मेक बेटर डिसीजंस सही फैसला करने के लिए सही फैसले के तयन के लिए हमारा जो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है वो जरूरी है लेकिन यहां पर एक वार्निंग भी है कि इमोशंस कहीं हमारी रैशनैलिटी को ओवरकम ना कर जाएं We have to keep constant our rationality, yet we have to see ke association with those particular decisions developed. Another important thing is, ke is emotions, ki mein, we need to develop our emotional agility. We need to be agile about our conduct. We need to be conscious and conscientious to know that when and where and why and how we are interacting with other people. Therefore, जब हम इमोशनल एजिलिटी की बात करेंगे तो इमोशनल एजिलिटी में भी देर आर सर्टेन वी नीड टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट थिंग इज कि हमें अपने इजर्न ऑफ डेवलपमेंट उनका पता हो और हमें यह पता हो कि कहा कब और क्यों हम किसी जज्बे से वो स्टिक कर जाते हैं कहां पर हम हुक अप हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में किसी पर्टिकुलर एहसास के साथ बिकॉज उसका जो एंकरिंग इफेक्ट होगा ऑन आवर सेल्फ दैट इज बेसिकली गोइंग टू कॉज

लेकिन याद रखिएगा कि इमोशंस को लेबल करने से पहले आपके पास वोकेबलरी का होना वो बहुत जरूरी है बिकॉज सही लफ्स का चुनाव ही आपके जज्बे की सही अक्कासी वो कर सकेगा एनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अब आपके जो भी एहसास और महसूस हैं यू हैव टू एक्सेप्ट यू हैव टू कि ये एक पर्टिकुलर जज्बा है जो आपके साथ एसोसिएटेड है किसी पर्टिकुलर चीज शख्स या जगह के बारे में तो वंस यू एक्सेप्ट तो आपके लिए उनको कंट्रोल करना वो आसान होगा एंड अनदर इंपॉर्टेंट थे आपको अपने वैल्यू सिस्टम को भी समझना है बिकॉज आपकी वैल्यूज वुड बी द मेजर सोर्स ऑफ ट्रेगरिंग जो एहसास महसूसात सो आपका वैल्यू सिस्टम क्या है आपके वैल्यू सिस्टम का सोर्स क्या है और अब आप उस सोर्स को किस तरीके से अपने कोग्नेटिव की डेवलपमेंट के लिए इनकॉर्पोरेट कर रहे हो और इवेंचुअली वहां से आपका इफेक्ट डेवलप करेगा आपकी फीलिंग्स एंड इमोशंस डेवलप करेंगे जो ऑब्वियसली आपके एटीट्यूड में बिहेवियरल कॉन्टेक्स्ट में वो डेमोन्स्ट्रेट होगा देयरफॉर याद रखें कि जज्बात इंपॉर्टेंट हैं उनको अंडरस्टैंड करना उनसे भी इंपॉर्टेंट है और यह समझना कि आपके जज्बे का इजहार किन अल्फाज में बेहतर हो सकता है दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू फोकस अपॉन डियर स्टूडेंट्स इस सारे मामले में याद रखिएगा कि जब हम लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो ना जज्बात से मुबर्रा वो हैं और ना जज्बात से आरी हम हैं तो हमें यह देखना होगा कि इस जज्बात के एस्पेक्ट में हम अपने जज्बात का इजहार वो कैसे कर रहे हैं उसको लेबल कैसे कर रहे हैं बिकॉज ये सब चीज़ें हमें सेल्फ कंट्रोल सेल्फ अवेयरनेस और एम्पथी को क्रिएट करने में मदद देंगी थैंक यू